चूतिए को यह कहना चाहूंगा कि बेटा अगर जो तुमने बात कही अगर वो हम इंप्लीमेंट कर दे, अगर हम तुम गद्दारों के पास से एक रुपए की चीज खरीदना दुकान से ना खरीदे तो मेरे जितने भी हिंदू भाई बंधु है मैं आज उनको यह कहना चाहूंगा कि कसम तुम्हें श्री रामचंद्र जी की, कसम तुम्हें श्री रामचंद्र जी की, जो वंदे मातरम नहीं गाया उस हरामी के पास से कोई चीज ना खरीदे, खरीदे। आज हमें श्री रामचंद्र जी के समक्ष कसम खानी है कि आज से अगर एक एक हिंदू ये सौगंध खा ले तेलंगाना का, आज इस बेगमगंज छतरी का हिंदू अगर कसम खा ले, मैं आपको वादा करता हूँ भारत का हिंदू अगर यही काम कर दे तो आज इनकी परिस्थिति क्या होगी सोच सकते हो। अरे हमारे कश्मीर में जो सैनिक है जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे सैनिकों पर पत्थर मारते हैं ये हरामी, अगर हम अमरनाथ की यात्रा करते समय अगर ये माधव चौकों के पास तो सोचो ये सालों का क्या होगा। ये साले कहेंगे कि भैया क्षमा कर दो और हमें तुम्हारे में मिला लो। ऐसे कई ऐसे भाई बंधु हैं जो हिंदू धर्म पर विश्वास करके हिंदू धर्म में वापिस कर रहे हैं, हिंदू धर्म में आ रहे हैं। मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि आने वाला समय अखंड हिंदू राष्ट्र का समय है, भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। हर हिंदू का सपना है कि काशी में भी भव्य शिव मंदिर बने और उसके बाजू जो टुकड़ा बचा हुआ है मेरे बुलडोजर बाबा उसका काम, उस काशी के पास वो जो गंदगी है उसको साफ करते करते मेरे बाबा लेफ्ट मारेंगे अपना बुलडोजर लेकर। आपको पता है लेफ्ट में क्या आता है? मथुरा, मथुरा के पास में जहां पर मेरे कृष्ण जी का जन्म हुआ, जहां पर मेरे लाला का जन्म हुआ, जहां पर मेरे कन्हैया का जन्म हुआ, वहां पर भी एक गंदगी इन्होंने बसा रखी है। मेरे बाबा इन कमीनों के बाप योगी जी वहां पर भी कचरा साफ कर रहे हैं मेरे भाइयों। तो आज आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में भारत देश को, आने वाले समय में भारत देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनते हुए कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। आवाज आवाज भारत माता की जय, भारत।
अखंड हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं, अपने फोन की लाइट खोलकर, अपने फोन की लाइट खोलकर आश्वासन दे मेरे हिंदू भाइयों, कि मोदी जी को पता चले, योगी जी को पता चले, करना है। मोदी जी आपने कहा हम दो हमारे दो सुख शांति परिवार हमें स्वीकार है, लेकिन हम पांच हमारे 50 की जो स्कीम ये लोग चला रहे, हम पांच हमारी 50 की जो स्कीम चला रहे, जरा इनकी भी नसबंदी करवा दो। जहां देखो वहां गंदगी, जहां देखो वहां गंदगी, गंदगी इतनी फैल गई है कि अब रहने को जगह नहीं है। तो मेरे भाइयों, ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है, जनसंख्या नियंत्रण बिल आने वाला है। हम दो हमारे दो हम भी उन सबके भी दो दो ही होंगे। भारत देश में अगर रहना है तो दो ही बस, नहीं तो योगी जी वाली स्कीम इंप्लीमेंट भारत में हो जाएगी। जो भी 2 से 3 करेगा, 3 से 4 करेगा, राशन पानी बंद, भुक्का पानी बंद, ठीक में भी कोई कुछ नहीं डालेगा। बाकी की बात करेंगे हनुमान वंशाला में, आओगे ना? यहाँ पर और भी कुछ बोलना है, यहाँ बोलूंगा तो वहां नहीं आएंगे तुम लोग।